एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर और अभी मैं लाइव आ चुकी हूँ और हमारा जो बुक पढ़ने का बुक रीडिंग सेशन है उसे मैं आगे बढ़ाऊंगी। और ये किताबें आपको यहाँ से बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुनने को मिल रही है। लेसन बाय लेसन मैं एक एक चैप्टर यहाँ से पढ़ती जा रही हूँ, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। फेसबुक पे आपको लेसन लिखा हुआ है, आप वहां से एक एक लेसन कर सकते हो। लाइव आते हो तो बहुत अच्छा रहता है कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे बात भी कर सकते हो। तो ठीक है, मैं अभी अपना काम शुरू करने जा रही हूँ और जो मेरा काम है बुक पढ़ने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन 7, 15 मिनट में इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, 25,000 डॉलर की सेल। देखिए 15 मिनट में, मतलब कि इतने एक्सपर्ट हम हो जाते हैं इस किताब को पढ़ेंगे तो। यहाँ पे आप देखोगे कि 15 मिनट में 25,000 डॉलर की सेल हो सकती है, इनने किया है। चलिए हम देखते हैं कैसे किया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसका शुरुआत में करने जा रही हूँ। जब क्ले हंसीकर मुझे बॉस्टन में एक तरफ ले गया और जब उनसे मुझे सेलिंग का महान रहस्य सिखाया तो मेरा उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया, इतना कि वह चरम पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि अब मुझे यही करना है कि मैं जाऊं और पर्याप्त लोगों से मिलूं और बेचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में मेरे सेल्स रिकॉर्ड में निश्चित रूप से समुचित सुधार हुआ, थोड़ा आप यहाँ देख सकते हैं, मिस्टेक अगर हो तो आप सुधार सकते हैं। वैसे जल्दी जल्दी पढ़ने में हो जाता है, कभी कभी शब्द फिसल जाते हैं मुँह से, तो फिर भी मैं उन्हें पूरा सही तरीके से कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे है, निश्चित रूप से सचमुच सुधार हुआ, परंतु अब भी ग्राहक मेरा काफ़ी विरोध करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके विरोध का कारण क्या था। फिर एक दिन जब मैं फिलाडेल्फिया में वेलेव्यू स्ट्रेंट फोर्ड होटल में एक सेल्स कांग्रेस में भाग ले रहा था तो मैंने अमेरिका के चोटी के सेल्समैनों में से एक को एक अद्भुत तरीका बताते सुना, जिससे मुझे संक्षेप में जवाब मिल गया। वह सेल्समैन न्यूयॉर्क सिटी के जे एलियट हॉल थे। हालांकि अब वे कई सालों से रिटायर हो चुके हैं, परंतु एलियट हॉल का रिकॉर्ड सार्वकालिक टॉप प्रोड्यूसर्स में आज भी दर्ज है। मिस्टर हॉल ने बताया कि वे किस तरह सेल्समैन के रूप में असफल हुए थे और वे सेल्स लाइन छोड़ने वाले थे कि तभी उन्हें वह कारण पता चल गया जिसके कारण वे असफल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वे बहुत ज्यादा निश्चयात्मक वाक्य बोल रहे थे। मुझे लगा यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, परंतु उन्होंने श्रोताओं को यह कहकर रोमांचित कर दिया कि वे अपनी आपत्तियां और सवाल पूछ सकते हैं। 2,000 सेल्समैनों ने उन पर हर दिशा से सवालों और आपत्तियों की बौछार कर दी। यह आपत्तियां कि ग्राहक और संभावित ग्राहक हर दिन उन्हें दूर हटा देते हैं, रोमांच जबरदस्त हो गया। एक एलियट हॉल ने यह अद्भुत प्रदर्शन दिया कि किस तरह आपत्तियों का सामना किया जाए और इन आपत्तियों का सामना करने के लिए उन्होंने किताबों में किस तरह आपत्तियों का सामना किया जाए अध्याय में लिखे गए स्मार्ट स्टॉक जवाबों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने आपत्ति करने वाले को यह बताने की कोशिश नहीं की कि वे गलत थे। उन्होंने यह भी नहीं दर्शाया कि उनकी तुलना में वे ज़्यादा स्मार्ट है। उन्होंने सिर्फ कुछ सवाल पूछे जिनसे आपत्ति करने वाले को सहमत होना पड़ा और वे तब तक सवाल पूछते गए जब तक कि जवाबों से एक ही निष्कर्ष नहीं निकला, एक दमदार निष्कर्ष जो तथ्यों पर आधारित था। इस मास्टर सेल्समैन से मैंने जो गहरी सीख ली उसने मेरे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने यह जताने का प्रयास नहीं किया कि वे किसी को अपने नजरिए के हिसाब से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एलियट हॉल के प्रश्नों का केवल एक ही लक्ष्य था, सामने वाले आदमी को यह पहचानने में मदद करना कि वह क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने का तरीका बताने में मदद करना।
श्रोताओं ने मिस्टर हाल को बताया कि इस आपत्ति से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अब तक ये फैसला नहीं कर पाया हूँ कि मैं इसे लूँ या ना लूँ। मिस्टर हाल ने जवाब दिया, मेरा काम ग्राहक को फैसला करने में मदद करना है। इस दुनिया में इस तरह का कोई सवाल ही नहीं है कि आपको यह करना चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने सारी बात को सवालों में संक्षेप में प्रस्तुत किया। एक सेल्समैन ने कहा कि उसके सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ग्राहक कहता है, मुझे घर जाकर इस पर सोचना पड़ेगा। मैं आपकी इस बात में मदद करूंगा कि क्या हम इस पर सही तरीके से विचार कर सकते हैं। मिस्टर हाल ने जवाब दिया, आपको इस बारे में नहीं सोचना है। फिर मिस्टर हाल अपने सवालों की तरफ गए ताकि आपत्ति करने वाले को यह पता चल सके कि आखिर उसे किस बात पर विचार करना है। उनके दृढ़ निश्चय के बावजूद किसी को भी यह नहीं लगा कि एलियट हाल वाद विवाद कर रहे हों या किसी का विरोध कर रहे हों। वे बहुत अधिक ओजस्वी थे, परंतु उन्होंने एक बार भी बहस नहीं की या विरोध नहीं किया, अपना कोई फिक्स्ड विचार प्रस्तुत नहीं किया। उनका नजरिया यह नहीं था, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं और आप गलत हैं। लोगों की मदद करने का उनका तरीका था सवाल पूछकर उनके सोच को स्पष्ट करना, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि यह लाजवाब तरीका है और इसके जैसा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं उन्हें और उनकी कही बातों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब मैंने उस दिन एलियट हाल की बात को फटी आंखों से सुना तो मैंने संकल्प किया कि आगे से मैं यह महत्वाकांक्षा रखूंगा कि मैं उस महान कला को विकसित करने की कोशिश करूँ जिसमें उन्होंने इतनी अधिक विशेषता हासिल कर ली थी, सवाल पूछने की कला। मिस्टर हाल के भाषण के कुछ ही दिन बाद मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया। उसने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क का एक बड़ा निर्माता $2,50,000 का जीवन बीमा कराने के लिए बाजार में था। दोस्त जानना चाहता था कि क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने में मेरी रुचि थी। इस निर्माता की कंपनी $2,50,000 उधार ले रही थी और कर्ज देने वाले इस बात पर जोर दे रहे थे कि निर्माता को कर्ज की पूरी रकम के बराबर जीवन बीमा कराना होगा। न्यूयॉर्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पहले से ही विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए थे। निश्चित रूप से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने में रुचि रखता हूँ, मैंने कहा, बशर्ते कि तुम मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। बाद में उसी दिन मेरे दोस्त ने फोन करके बताया कि उसने मेरे लिए अगले दिन सुबह 11:15 का अपॉइंटमेंट ले लिया है। इसके बाद यह हुआ, पहले तो मैं अपनी टेबल कुर्सी पर बैठा और मैंने यह विचार किया कि मुझे क्या करना है। एलियट हाल की चर्चा अब भी मेरे दिमाग में ताजी थी। मैंने फैसला किया कि मैं कई सवाल तैयार करूंगा। आधे घंटे तक मेरा दिमाग सोच विचार में डूबा रहा। फिर कुछ सवाल आने शुरू हुए, ऐसे सवाल जिनसे यह आदमी अपने विचारों को अधिक स्पष्ट कर सकता था और जिसने उसे फैसले पर पहुंचने में मदद मिलती है। इसमें मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा। आखिरकार मैंने 14 सवाल लिख लिए। फिर मैंने इस सवालों को अधिक तार्किक क्रम में जमा लिया। अगली सुबह न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में बैठकर मैंने इन सवालों का बार बार अध्ययन किया। जब मैं पेंसिल्वेनिया स्टेशन पहुंचा तो मैं इतना रोमांचित और उतावला था कि मैं इंटरव्यू का इंतजार ही नहीं करना चाहता था। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने एक जोखिम उठाने का फैसला किया। मैंने न्यूयॉर्क के बहुत बड़े मेडिकल एग्जामिनर को फोन किया और अपने प्रोस्पेक्ट के लिए एग्जामिनर के ऑफिस में 11:30 का अपॉइंटमेंट ले लिया। आपने अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस में पहुंचने के बाद उसकी सेक्रेटरी ने मुझे अभिवादन किया। उसने प्रेसिडेंट का दरवाजा खोला और मैंने उसे यह कहते हुए सुना, मिस्टर बूथ, फिलाडेल्फिया से कोई मिस्टर वेटगर आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है कि उनका आपके साथ 11:15 का अपॉइंटमेंट है। बूथ, अरे हाँ, उनको अंदर भेज दो। मैं मिस्टर बूथ। बूथ, आप कैसे हैं? मिस्टर वेटगर, बैठिए। मिस्टर बूथ ने इंतजार किया कि मैं चर्चा शुरू करूं, जबकि मैं इंतजार कर रहा था कि वे चर्चा शुरू करें। मिस्टर वेडगर, मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं क्यों? बूथ अपनी मेज पर रखे प्रस्तावों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए, न्यूयॉर्क के सभी बड़ी कंपनियों ने मेरे पास अपने प्लान भेज दिए हैं, जिनसे 3 मेरे दोस्त ने भेजे हैं। इनमें से एक मेरा बहुत करीबी मित्र है। मैं हर शनिवार और रविवार को उसके साथ गोल्फ खेलता हूँ। वह न्यूयॉर्क लाइफ में है और यह काफ़ी अच्छी कंपनी है, नहीं क्या? मैं दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। मैं मतलब कि वेटगर ने बोला,
कि दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है वो। तो मिस्टर वेडगर, इन परिस्थितियों में अगर आपको अभी यह लगता हो कि आप मेरे सामने अपना प्लान प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप मेरी उम्र यानी 46 साल के हिसाब से सामान्य जीवन योजना पर $2,50,000 के जीवन बीमा के आंकड़े निकाल सकते हो और मुझे डाक से भिजवा सकते हैं। मैं इसे बाकी सारे प्रस्तावों के साथ रख दूंगा और अगले 2-3 सप्ताहों में मैं इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। अगर आपका प्लान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होगा तो यह बिजनेस आपको ही मिलेगा, परंतु मुझे लगता है कि आप अपना और मेरा दोनों का ही समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं मिस्टर बुद्ध, अगर आप मेरे अपने भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बुद्ध क्या मतलब कि ये इस तरह से अगर हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो ये हमारे इस तरह से बात करने के सवाल के तरीके हैं। हम हमेशा बोलते हैं हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी सेलिंग नहीं हो रही, हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, तो हम चीजों को सही तरीके से नहीं करते और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट सही नहीं आते। तो इसके लिए यह किताब हमें मदद करती है, तो मैं यहाँ पे जो पढ़ रही हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हर बिजनेसमैन, हर सेल्समैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा, सेल्स करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शुरू से मैं पढ़ने जा रही हूँ फिर से एक बार, मैं मिस्टर बूथ, अगर आप मेरे अपने भाई होते तो भी मैं आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वो क्या, मैं बीमा बिजनेस के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपसे ये कहता कि आप इसी वक्त इन सारे प्रस्तावों को उठाकर कचरे की बाल्टी में फेंक दें। बोथ, स्पष्ट रूप से हैरानी से, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं, पहली बात तो यह है कि इन प्रस्तावों का सही तरीके से विश्लेषण करने के लिए आपको एक्चुअरी की सेवाएं लेनी होगी और एक्चुअरी बनने के लिए 7 साल का समय लगता है। परंतु अगर आप आज की तारीख में सबसे कम लागत के प्रस्ताव को चुनने में सफल भी हो जाते हैं तो भी आज से 5 साल बाद यह हो सकता है कि वह वही कंपनी चलकर सबसे अधिक लागत वाली कंपनी बन जाए। इतिहास में ऐसा हुआ है। सच तो यह है कि जिन कंपनियों को आपने चुना है वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं। आप इन प्रस्तावों को ले सकते हैं, अपनी मेज पर उन्हें फैला सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जिस कंपनी के प्रस्ताव पर आप उंगली रखेंगे उसके कम लागत वाली कंपनी होने के अवसर उतने ही होंगे जितने कि उस स्थिति में जब आप कई सप्ताहों के सावधानी पूर्वक सोच विचार के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आप मिस्टर बुद्ध, मेरा काम है कि मैं अंतिम निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करूं। आपकी मदद करने के लिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? बुद्ध, बिल्कुल नहीं, पूछिए। मैं जैसा मैं समझता हूँ आपकी कंपनी $2,50,000 का कर्ज लेने वाली है। इस सौदे की एक शर्त है कि आपको $2,50,000 का बीमा करवाना है और बीमे की पॉलिसी को अपने कर्जदारों के पास रखवाना है। क्या यह सही है? बहुत, हाँ यह सही है। मैं, दूसरे शब्दों में अगर आप जीवित रहते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा है, परंतु आपकी मृत्यु की स्थिति में उन्हें आपकी कंपनी में उतना विश्वास नहीं है। क्या यह सही है मिस्टर बुद्ध? बुद्ध, हाँ मुझे लगता है कि यह सही है। मैं फिर क्या, यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, दरअसल महत्व की एकमात्र बात यही है कि आप इस बीमे को तत्काल हासिल कर रहे और जोखिम को बीमा कंपनी पर डाल दें। मान लीजिए आप आज रात को जागे आधी रात को और आपके मन में अचानक यह विचार आए कि कनेक्टिकट के आपके बड़े प्लांट में आग का बीमा कल ही एक्सपायर हो चुका है। शायद आप बची हुई रात में सो नहीं पाएंगे और आप सुबह सबसे पहले यह काम करेंगे कि ब्रोकर को फोन लगाएंगे और उससे कहेंगे कि वह तत्काल बीमा करवा ले, नहीं क्या? बोध, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। मैं, जिस तरह आप अपने प्लांट के लिए आग के बीमे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसी तरह से आपके कर्जदार आपके जीवन बीमे को महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवा पाते तो क्या यह संभव नहीं है कि आपके कर्जदार लोन की रकम को कम कर दे या लोन देने से पूरी तरह इनकार कर दे? बुद्ध, मैं नहीं जानता, परंतु मुझे लगता है कि यह संभव है। मैं, और अगर आपको यह कर्ज नहीं मिलता तो शायद आपके लिए लाखों करोड़ों का मामला होगा। क्या इस साल में इसी वजह से आपका लाभ घाटे में नहीं बदल जाएगा? बुद्ध, आपका क्या मतलब है? मैं, आपके लिए मैंने 11:30 बजे न्यूयॉर्क के प्रमुख मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले रखा है। उनके एग्जामिनेशन को सभी जीवन बीमा कंपनियां मान्यता देती है। जहां तक मैं जानता हूं वे एकमात्र मेडिकल एग्जामिनर हैं जिनके एक ही एग्जामिनेशन से किसी आदमी के जीवन पर $2,50,000 का जीवन बीमा किया जा सकता है। 150 ब्रांडवे में उनके ऑफिस में उनके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और फ्लू
फ्लुओरोस्कोप मशीनें हैं और वे सारी मशीनें हैं जिनकी जरूरत आपके परीक्षण में होगी। बुध, क्या दूसरे ब्रोकर मेरे लिए यह नहीं कर सकते? मैं, आज की सुबह तो वे ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर बुध, मान लीजिए कि आप इस एग्जामिनेशन के गंभीर महत्व को पहचान कर किसी ब्रोकर को इसी दोपहर को फोन करें और उसे बताएं कि आप तत्काल एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं, तो वह पहला काम तो यह करेगा कि वह अपने किसी मित्र को फोन करेगा जो उसका नियमित एग्जामिनर होगा। फिर वह उसे यहाँ पर आपके ऑफिस में लेकर आएगा जहाँ आपका पहला परीक्षण किया जाएगा। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आज रात को ही डाक से रवाना हो जाए तो उस विशेष कंपनी का कोई मेडिकल डायरेक्टर हेड ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठकर कल सुबह आपकी रिपोर्ट को देखेगा। अगर उसके मन में यह विचार आता है कि चूंकि आप $2,50,000 का बीमा करवा रहे हैं इसीलिए दूसरे एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो वह किसी दूसरे डॉक्टर को दूसरे एग्जामिनेशन के लिए अधिकृत कर देगा जिसके पास आवश्यक मशीनें हो। इस सब का मतलब है अनावश्यक विलंब। आप इस जोखिम को अगले सप्ताह तक क्यों उठाते हैं या फिर एक दिन भी क्यों उठाते हैं? बोध, मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ समय तक जीवित रहूंगा। मैं, मान लीजिए कल सुबह आपका गला खराब हो जाए और आप एक सप्ताह तक बिस्तर पर पड़े रहे, फिर जब आप इस कठिन परीक्षण के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो जाएंगे तब मान लीजिए बीमा कंपनी आपसे एक है, आप मिस्टर बुध, हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, परंतु आपकी हाल की बीमारी के कारण एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई है और हमें इस समय इस काम को 3-4 महीनों के लिए टालना पड़ेगा जब तक कि हम यह सुनिश्चित न कर लें कि यह समस्या टेम्परेरी है या परमानेंट। तब आपको अपने कर्जदारों को यह बताना पड़ेगा कि अंतिम निर्णय कुछ समय के लिए टल गया है। क्या यह संभव नहीं है कि वे भी तब आपको लोन देने से मना कर दें? क्या यह संभावना नहीं है मिस्टर बुध? बुध, हाँ यह संभावना तो है। मैं, अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, मिस्टर बुध, अभी 11:10 हुए। अगर हम तत्काल निकलते हैं तो हम डॉक्टर कार्यालय के ऑफिस में 11:30 के अपॉइंटमेंट के लिए सही समय पर पहुंच जाएंगे। आपको देखकर लगता है कि आप इस समय पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर आप अंदर से भी उतने ही स्वस्थ हैं जितने कि बाहर से दिख रहे हैं तो आपको यह बीमा 48 घंटों में मिल जाएगा। आप इस सुबह अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं क्या मिस्टर बुध? बुध, हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं तो फिर क्यों ना इस एग्जामिनेशन को, जो आपके लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभी हाल ही करवा लिया जाए। बुध, मिस्टर वेडगर, आप किसकी तरफ है? मैं आपकी तरफ हूँ। बुध, सिर को सोच विचार विचार में झुकाते हुए, सिगरेट जलाते हुए कुछ पल सोचकर धीमे से अपनी कुर्सी से उठते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, खिड़की की तरफ जाते हैं और फिर हेडरेक की तरफ जाकर अपने हेड को रैंक पर से उठाते हैं और मेरी तरफ मुड़ते, आइए चले हम 6th Avenue के सबसे सबवे में डॉक्टर के ऑफिस में गए। एग्जामिनेशन संतोषजनक ढंग से निबट जाने पर मिस्टर बुध अचानक मेरे मित्र बन गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं उनके साथ लंच करूं। जब हमने खाना शुरू कर दिया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसने लगे। उन्होंने पूछा, अरे हाँ, मैं ये पूछना तो भूल ही गया, आप किस कंपनी से आए हैं? तो यहाँ पे ये हमारा लेसन समाप्त तो होता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बेडगर वहाँ पे गए थे उन्होंने अपने कंपनी के बारे में भी नहीं बताया कि वो किस कंपनी से बीमा करते हैं। बस उन्होंने ये देखा था कि बेडगर जो वहाँ पे जो बूथ थे उनको बीमा कराने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, तो उन्हें पहले अपने मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता थी ताकि उनका बीमा हो सके, और उन्होंने सिर्फ उस चीज़ पर फोकस किया और उनकी मदद की उस काम को करने में और उनकी हेल्प की और वो उनके दोस्त बन गए और इस तरह से उन्होंने अपना बीमा बेच दिया। तो हम यहाँ पे एक ही सीख मिलती है इस कहानी से, इस लेसन से, कि अगर हम किसी के पास सेलिंग के लिए जाते हैं या अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हैं या कि अपनी कंपनी के बारे में बताने जाते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जो भी, हम सेलिंग का, बिना सेल के तो दुनिया चलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो हर कोई बेचता है, कोई स्किल बेचता है तो कोई कुछ बेचता है। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं तो जिस इंसान से हमें ज़रूरत है कि वो हमारा काम करे या हम उसकी मदद कर सके, तो हमें उसकी ज़रूरत को फोकस करना है कि वो अभी क्या चाहता है और उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपका काम हो जाता है। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया
कि सेलिंग में क्या इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप इस किताब को आगे पढ़ते जाइए मेरे माध्यम से, ताकि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सेल्स में या कहीं भी, आपकी वो समस्या खत्म हो सके। तो कल हम पढ़ेंगे लेसन 8 और उसमें पढ़ेंगे उस सेल में अपनाए गए मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण, जो कि हम लेसन 7 में पढ़े उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो इंतजार रखिए, कल हम 8:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग मेरे लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। भले आप 8:30 बजे नहीं हो पाते ज्वाइन या कुछ भी, लेकिन जब ये वीडियो शेयर होता है तो आप उसे जरूर देखते हैं। तो आप सब इसी तरह से इसे आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करिए कि आप लाइव आ सके, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके और एक दूसरे के विचारों के बारे में समझ सके और हम आगे बढ़ सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट टाइम कल 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।